अल्ट्रा को मैं पिछले 3 महीने से यूज कर रही हूँ। OnePlus 12 मैंने लॉन्च पर बाय किया था, फिर रिव्यू करके उसे बेच दिया। फिलहाल OnePlus 12 50,000 से 55,000 की प्राइस पर मिल रहा है, तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स नोटिस किए हैं कि क्यों ना एक बार OnePlus 12 पर स्विच किया जाए। पहला पॉइंट है प्राइस। S24 अल्ट्रा का 256 GB 1,30,000 रुपए का है, जो कि ऑफर लगाकर भी 1,15,000 या 1,20,000 का तो मिलेगा ही। वही OnePlus 12 65,000 का है और मैंने अभी ये 55,000 का परचेज किया है। फिलहाल OnePlus की कम्युनिटी सेल चल रही है, जहां 2,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट है, 3,000 का बैंक ऑफर है और 12,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। तो अगर कोई एक्सचेंज बोनस का फायदा उठा पाए तो इस फोन को भी 50,000 तक की प्राइस पर बाय किया जा सकता है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि OnePlus 12 S24 Ultra के हाफ प्राइस पर मिल रहा है। वैसे S24 Ultra का स्टैंडर्ड अलग है, उसे OnePlus 12 से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग बजट का सोचकर फोन बाय करते हैं उनके लिए ये कंपैरिजन जरूरी है। दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस। दोनों ही फोन में सेम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर यूज किया गया है, लेकिन OnePlus के ऑक्सीजन OS की स्मूथनेस One UI के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ये OnePlus 12 मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा है, वही One UI इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है। ऑक्सीजन OS के एनिमेशंस iOS की स्मूथनेस की याद दिलाते हैं। अगर किसी को एक स्मूथ UI की आदत हो जाए और उसे One UI यूज करने को बोला जाए तो शायद One UI अच्छी नहीं लगेगी। ये Samsung की UI का कड़वा सच है। अगर S24 Ultra में OnePlus 12 के लेवल की स्मूथनेस हो तो मैं कभी भी S24 Ultra से OnePlus 12 पर स्विच करने का नहीं सोचूंगी, लेकिन Samsung उस लेवल की स्मूथनेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तीसरा पॉइंट है बैटरी लाइफ। S24 Ultra को सारा दिन वाईफाई पर यूज करने पर भी स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 8 घंटे का मिल पाता है, और अगर 4G या 5G पर यूज करें तो ये स्क्रीन ऑन टाइम 6.5 से 7 घंटे के आसपास तो पहुंच ही जाएगा। वही OnePlus 12 का जो मैंने फीडबैक देखा है उसके हिसाब से 4G या 5G पर यूज करने पर भी ये 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो प्रोवाइड कर ही देता है। मैंने खुद तो अभी इसे इतना यूज नहीं किया कि मैं ये बोल पाऊँ कि ये सच है या नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना स्क्रीन ऑन टाइम तो इससे मिल ही जाएगा। OnePlus 12 के साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। S24 Ultra 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वही OnePlus 12 100 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो चार्जिंग टाइम भी यहाँ Samsung के कंपैरिजन में आ गई है, और यहाँ अडैप्टर भी बॉक्स में ही मिल जाता है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। फोर्थ पॉइंट है कंफर्टेबल यूज। S24 Ultra यूज करने में अनकंफर्टेबल फील होता है। इसका ये बॉक्सी डिजाइन लुक तो बहुत प्रीमियम देता है, लेकिन इसके ये शार्प कॉर्नर्स यूज करने में इरिटेटिंग लगते हैं। OnePlus 12 की डिस्प्ले भी S24 Ultra के बराबर ही है, लेकिन कर्व डिस्प्ले होने की वजह से ये इतना बड़ा फील नहीं होता, और इसके कॉर्नर्स भी S24 Ultra की तरह शार्प नहीं है, तो ये यूज करने में कंफर्टेबल लगता है। ऐसा नहीं है कि S24 Ultra बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन कभी कभी ये सच में अनकंफर्टेबल फील होता है, और उस समय ऐसा फील होता है कि इसे सच में बेच दिया जाए, लेकिन इसकी डिस्प्ले क्वालिटी इसे नहीं बेचने देती। एक और पॉइंट जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है आजकल, वो है किसी भी ब्रांड का इकोसिस्टम। सैमसंग का इकोसिस्टम OnePlus के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, जहां टैबलेट्स मिल जाते हैं, लैपटॉप मिल जाते हैं, ईयरबड्स मिल जाते हैं और वॉच भी, लेकिन ये इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। सैमसंग की बेस्ट स्मार्ट वॉच जो कि 40,000 रुपए की आती है, टैबलेट चाहिए जो कि 60,000 से 70,000 रुपए का आता है। वहीं अगर OnePlus की बात करें तो इसकी वॉच 20,000 रुपए की है, 8,000 से 9,000 के बड्स मिल जाएंगे, और इसका टैबलेट जो कि आजकल ऑफर्स में 30,000 रुपए तक तो आराम से मिल जाता है। जिस प्राइस में सिर्फ S24 Ultra को बाय किया जा सकता है, उसी बजट में OnePlus का पूरा इकोसिस्टम आराम से बाय किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि OnePlus के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेकार हो। मैं इसका OnePlus पैड पिछले 4-5 महीने से यूज कर रही हूँ, और 30,000 से 35,000 की रेंज में ये बेस्ट टैबलेट है। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से OnePlus 12 पर स्विच किया जा सकता है। अब अगर इसके बाकी पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भले ही कंपटीशन के हिसाब से इंफीरियर हो, लेकिन बहुत अच्छी है। फ्रंट में कोर्निंग ग्लास विक्टर्स 2 यूज किया गया है और मेटल फ्रेम मिल जाता है, और फिनिश भी इसकी काफी अच्छी है। इस बार तो OnePlus ने USB Type-C पोर्ट 2.0 से अपग्रेड करके 3.2 Gen 1 कर दिया है, जो कि मेरे जैसे यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है। OnePlus के पास एक और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है, और अलर्ट स्लाइडर भी काफी यूजफुल होता है फोन को साइलेंट या म्यूट करने के लिए। ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें फोन को जल्दी म्यूट या साइलेंट करना होता है,
तब इसका होना बहुत यूजफुल लगता है। मैं किसी भी फोन की मार्केटिंग गिमिक से इम्प्रेस नहीं होती, जो कि खासकर आजकल डिस्प्ले के लिए की जा रही है। यहाँ OnePlus ने भी इसकी HDR ब्राइटनेस 4500 nits की मार्केटिंग की है, लेकिन रियल यूज में इसकी HDR ब्राइटनेस Samsung की 2600 nits की ब्राइटनेस के आसपास ही होगी। इसकी डिस्प्ले रियल यूज में बहुत अच्छी है, इससे कोई शिकायत नहीं। कलर्स एक्यूरेसी काफी अच्छी है, यहाँ क्वाड HD रेजोल्यूशन मिलता है, तो कंटेंट एकदम शार्प देखने को मिलता है। इस प्राइस पर शायद ये अकेला फोन है जो क्वाड HD रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट क्लास है। डिस्प्ले को HDR 10 के अलावा डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, तो Netflix जैसे ऐप पर डॉल्बी विजन वाला भी कंटेंट देखा जा सकता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। S24 Ultra के कंपैरिजन में कुछ लोगों को OnePlus 12 की साउंड क्वालिटी ज्यादा अच्छी लग सकती है, तो यहाँ साउंड क्वालिटी भी काफी सही है। S24 Ultra के कंपैरिजन में यहाँ एक और पॉजिटिव पॉइंट है, इसके हैप्टिक फीडबैक। मुझे पिक्सल फोन्स के हैप्टिक्स बेस्ट लगते हैं, उसके बाद एंड्रॉइड में OnePlus के ही अच्छे लगते हैं। हैप्टिक का इम्प्लीमेंटेशन पूरी UI में बहुत अच्छे से किया गया है। मैं पर्सनली जब अपने लिए फोन डिसाइड करती हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है फोन का कैमरा, और यही मेन रीजन है कि ज्यादातर टाइम मेरा प्राइमरी डिवाइस गूगल का ही रहता है। अगर इस फोन के कैमरा क्वालिटी की बात करूँ, तो मेन कैमरा से मैंने जितने भी फोटोज क्लिक किए हैं, वहाँ फोटो क्वालिटी से कुछ खास कंप्लेन नहीं है। अच्छी क्वालिटी के फोटोज हैं, जहाँ कलर्स भी ठीक है और डिटेल भी बराबर देखने को मिल जाती है। इस वीडियो में मैं इस फोन के कैमरा को किसी दूसरे फोन के कैमरा के साथ कंपेयर नहीं करने वाली, सिर्फ इसी पर फोकस करती हूँ। यहाँ 3x टेलीफोटो सेंसर मिल जाता है, जिससे 3x से नॉर्मल फोटोज और पोर्ट्रेट फोटोज की क्वालिटी काफी अच्छी है। OnePlus का कलर साइज थोड़ा डिफरेंट है, जिससे फोटोज थोड़े ब्राइट दिखते हैं। यहाँ इनका लुक एक्चुअल कैमरा टाइप का करने की कोशिश की गई है, जो बहुत लोगों को पसंद भी आएगा। वीडियो क्वालिटी के लिए 4K 60fps तक के वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाते हैं। अनु क्या कर रहे हो? अनु कुछ नहीं, अपने भाई से बात कर रहा हूँ। और क्या बात कर रहे हो? कंट्रीज के बारे में। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, जिससे सेल्फीज की क्वालिटी बहुत सही है, और यहाँ 4K 30fps भी वीडियो आराम से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ओवरऑल कैमरा से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका कैमरा इस पर स्विच करने की मेन वजह हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने इस फोन पर परमानेंटली स्विच कर लिया हो। मैंने इस वीडियो से व्यू रखने की कोशिश की है कि किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए S24 Ultra से भी OnePlus 12 पर स्विच किया जा सकता है। मैं दोनों ही फोन S24 Ultra और OnePlus 12 को सेल करूंगी, तो अगर कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर मेल कर सकता है, या फिर Instagram या Twitter पर मैसेज भी कर सकता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।